एक बार की बात बाहड़ो, इंसान तो कितना कंजूस होया बैठा रहा है। एक नगरी में भाई एक बड़ा मां कंजूस था, मतलब पैसा नहीं काटना, कुछ भी हो जाओ ससुराल, कोई धर्म कर्म क्या है की जरूरत नहीं, उसने हर चीज में कंजूसी, हर चीज में कंजूसी। वो तो ऐसा आदमी था, सांस लेने में भी कंजूस था, एक सांस ही ले लिया तो जब तक दूसरा ना नहीं हो ले, हाँ प्राण निकलेंगे, इतना नहीं छोड़ेगा। और धन का तो बिल्कुल। एक बार भगवान की कड़ी से एक मेहमान आ गए घर में, मेहमान आ गए तो उसने अपने सौ रुपये कहा, अकेले बेटा ये 100 रुपया और मेहमाना खातर कुछ खान पीन का लिया, थोड़ा भी चला गया, ठीक है पिताजी मैं ले आऊंगा। मिठाई की दुकान पर जाकर लगा हलवाई थे कि भाई हलवाई जो तेरी दुकान में सबसे अच्छी मिठाई है वह दे दे, तू पैसे की दिक्कत ना समझिए। तो बोला ऐसी मिठाई दूंगा बिल्कुल मक्खन के मापे का, लेकिन यू मुंह में गेरोगे मक्खन की तरह पिघल जाएगा। बोला भाई रहने दे, दिमाग घुमाया, बनिया का छोरा था, अरे क्यों ना मक्खन लिया जा, मिठाई भी तो मक्खन की सी है। इब डेरी पर जा खड़ा हुआ, कह लगे भाई घर में वो मेहमान आ रहे हैं, मक्खन दे दे, पर बढ़िया मक्खन दिए ध्यान रख ले। कहता भाई मक्खन ऐसा दे दूंगा तो ना, ऐसा मक्खन है बिल्कुल सेहत माफिक। उड़े ते भी टाल कर दी, देखिये भाई रहन दे मैं नहीं लूंगा, मक्खन भी कोई ना लिया। उन्हें कह दी सेहत माफिक, उन्हें सोची सेहत क्यों ना लिया जा, है भाई सबसे बढ़िया चीज सेहत बताई, सेहत माफिक बताई चीज ने, तो क्यों ना सेहत ही लिया जा। ये वो सेहत की दुकान पे पहुंच गया, जाके कहने लगा भाई तेरी दुकान पे जो सबसे अच्छा सेहत है ना वो दे दे। बोला ऐसा सेहत दे दूंगा जो पानी माफिक बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा। उड़े तभी टाल करती और वापसी आ गया। बोला छोरे, बोले हाँ पिताजी, अरे कुछ लिया नहीं। बोला बिल्कुल लिया। बोला नुनू मैं हलवाई की दुकान पे गया, नहीं बोला मक्खन कैसी मिठाई दूंगा, जब मैंने सोची कि जब मक्खन कैसी तो क्यों ना मक्खन खरीद लिया जाए। मैं मक्खन की दुकान पे गया, उन्होंने बोला अरे कत्ती ऐसा दूंगा जो सेहत बराबर है, फिर मैंने सोची तू सेहत क्यों ना खरीद लेता। मैं सेहत की दुकान पे गया, मैंने जाते पूछा भाई बढ़िया सेहत दे दे, कहने लगा अरे कत्ती पानी माफिक दूंगा, कत्ती न्यारा चमकता। बोला जब फिर मैंने सोची जब पानी माफिक देगा तो पानी तुम्हारे घर आए ना है, है? वो ही ना प्याज दूंगा। कंजूस ने अपने छोरे का पीठ थपथपाई, वाह बेटा बड़ा अच्छा तू तो भाई। बोला रे भले मानस जो तू 3 घंटे चक्कर काट काया, ये चप्पल भी तो घिसी है। बोला बावला मान रहा है, बोले मैं मान की पैर के गया था मैं तो। तो भाई इस कंजूसी से कोई फायदा नहीं है, जबकि जब तक अपने अंदर गुण नहीं लेके आओगे, जब तक देना नहीं सीखोगे। कोई छाती भर कर नहीं जाता, सब यहीं रहे। जय जय श्री राम।